बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अहलन व सहलन इकरा माहदुल हाफिजात पेशावर शारे वरसन अल हदीस सानी व अन उम्मुल मुमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري ترجمة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یغزو چڑھائی کرے گا جیشن ایک لشکر الکعبۃ کعبے پر کعبے پر ایک لشکر چڑھائی کرے گا فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ پر جب وہ ہوں گے زمین کے چٹیل حصے میں چٹیل میدان تک پہنچیں گے یُخْسَفُ تو دنسا دیا جائے گا بِأَوَّلِهِمْ ان کے اگلوں اور پچھلوں کو قالت فرماتی ہیں قلت میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیف یُخْسَف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ کہ کیسے دنسا دیا جائے گا ان کے اگلوں اور پچھلوں کو وَفِيهِمْ أَسْوَاقٌ इस हाल में कि कुछ लोग उनमें दुकानदारी में मशगूल होंगे और मन लई समिन और कुछ लोगों ने में बखुशी शामिल नहीं होंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया युख्सफु बिअव्वलिहिम धनसा दिया जाएगा उनके अगलों और पिछलों को थुम्मा युबअथूना अला नियातिहिम फिर उनको उठाया जाएगा उनकी नीयतों पर मुत्तफ़क़ुन अलैह। तौज़ीउल हदीस उम्मे मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है। हदीस की राविया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनके मुख्तसर हालात नाम आयशा, लक़ब हुमैरा, कुनियत उम्मे अब्दुल्ला, वालिद का नाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा और इनकी वालदा का नाम ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जबकि उनकी कुनियत उम्मे रोमान। मकसद के चार बरस बाद पैदा हुई। मक्का मुअज़्ज़मा में नबी अलैहि सलाम से निकाह हुआ। नौ साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में रुख्सती हुई। गज़वात में गज़वे उहद में शरीक थी और इस तरह गज़वे बनी मुसलक में भी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दूसरी औरतों पर उमूमन जबकि बाकी उम्महात मोमिनीन पर खुसूसन कई वजूहात से फोकियत रखती हैं। हज़रत अबू मूसा आशरी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते कि हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो इसका इलम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पाते थे। आप में सखावत इबादत तवाज़ो हर दर्जे की थी। अक्सर रोज़ा रखा करती थी, हर साल हज फरमाती और ग़ुलामों को आज़ाद करती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मुकसरीन सहाबा किराम में दाखिल है जिनसे रिवायात ज़्यादा मनकूल हैं। इनकी तादाद 2210 यानी अहादीस की किताबों में इनसे मरवी अहादीस की तादाद 2210 है। और इनका इंतकाल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा के आखिरी ज़माने में रमज़ान मुबारक 58 हिजरी में हुआ और इस वक्त इनकी उम्र 63 साल थी। और जन्नतुल बकी में रात के वक्त ही इनकी वसीयत के मुताबिक इनको दफन कर दिया था। यग़ज़ू जैशनिल काबा, एक लश्कर काबे पर चढ़ाई करेगा, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई में से है जो कि उमूर गैब में जिनका इलम अल्लाह को है कि आए ये वाक़या हुआ है या ये वाक़या कब होगा, तो इसका इलम सही सिर्फ़ अल्लाह ही को है। और नीज़ ये फरमान नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से है। मकाम बैदा फैदाकान भी बैदा अमिन अर्ज़ी, बस जब वो ज़मीन के चटियल मैदान पर पहुँच जाए, तो बैदा ये बैद की जमा है, चटियल मैदान को कहा जाता है। ये कहाँ है इसके बारे में भी इख्तिलाफ है। बास की राय है कि मदीना में है जबकि बास की राय मक्का मुअज़्ज़मा में, और बास की राय इसके अलावा में है। कुछ फरमाते कि ये मक्का और मदीना के दरमियान वाक़िया है। युख्सफु बिअव्वलिहिम वआखिरिहिम, उनके अगले और पिछलों को दनसा दिया जाएगा। क़ाल फरमाती है मैंने कहा अल्लाह के रसूल इनके अगले और पिछलों को किस तरह दनसा दिया जाएगा, हालांकि इनमें से कुछ लोग दुकानदारी करेंगे, कुछ इनमें खुशी से रजामंदी से शामिल नहीं होंगे। क़ाल फरमाए नबी अलैहि सलाम ने युख्सफु बिअव्वलिहिम दनसा दिया जाएगा उनके अगले और पिछलों को, फिर उनको उनकी नीयतों पर उठाया जाएगा। तो इस हदीस से दीन इस्लाम में नीयत की अहमियत वाजह होती है कि दुनिया में भी आमाल का दारोमदार नीयत पर है और आखरत में भी जजा और सज़ा का दारोमदार नीयतों पर है। अब लश्कर के अंदर शामिल बहुत से लोग जंगजू नहीं होते,
बल्कि वो सिर्फ मुकातलीन के मददगार होते हैं, लेकिन जब लश्कर सारा का सारा ज़मीन में दंसा दिया जाएगा और रोज़े क़यामत इनका हिसाब किताब उनकी नीयत के मुताबिक फिर होगा। बुरा काम भी बुरा है और बुरा काम करने वालों के साथ शिरकत करना, उनके काम से राज़ी होना और सुकूत इख्तियार करना भी बुरा फ़ेल है। ज़रूरी यही है कि जिस कदर इंसान की हिम्मत और ताकत हो, जितनी उसको कुदरत हो, तो वो बुराई से मना करें। अगर ये ना हो सके तो फिर ज़ुबान से उस बुराई को बुरा कहें। अगर ज़ुबान से भी ना कहें तो सबसे अदना दर्जा ये कि दिल में बुरा कहें, और ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। कैफ युक्सबु बिअव्वलिहिम वआखिरिहिम, कि कैसे दंसाए जाएंगे उनके अगले और पिछले को। इस तरह एक दूसरी रवायत में आता है कि इज़ा अंज़लल्लाहु बिक़ौमिन अज़ाबन असाबल अज़ाब मन काना फीहिम थुम्मा बुग़िथु अला नियातिहिम, कि जब अल्लाह का अज़ाब किसी कौम पर नाजिल होता है तो वो अज़ाब सब पर ही नाजिल होता है, फिर क़यामत के दिन अपनी अपनी नीयतों के एतबार से सबको उठाया जाएगा और नीयतों के एतबार से ही मामला किया जाएगा, मगर दुनिया के अज़ाब में सभी शरीक होंगे। इस तरह हदीस से मालूम होता है कि आदमी गलत लोगों की सोहबत से अपने आप को बचा के रखें, इसलिए कि अगर उनके गुनाहों की वजह से उन गलत लोगों पर अज़ाब आया तो ये इसके साथ रहने वाला भी अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकेगा। सर उलमा फरमाते हैं कि हदीस दरअसल कुरान करीम की इस आयत की तफसीर है, वत्तकू फितनतन, और तुम बचो उस फितने से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ासा, जो ख़ास जुल्म करने वालों पर ही नहीं आएगा। तो अगर किसी कौम के अक्सर अफराद गुनाह और मासीत का रास्ता अख्तियार कर लें, तो जो लोग इस आम हालत में किनारकशी अख्तियार कर लें कि ना उनको नसीहत करें ना उनसे इजहार नफरत करें उस गुनाह पर, तो इस हालत पर जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो सभी उसमें शामिल होंगे। चुनांचा नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि जब अल्लाह ताला का अज़ाब किसी कौम पर नाजिल होता है तो वो सब पर नाजिल होता है, फिर क़यामत के दिन उनको उनकी नीयतों के एतबार से उठाया जाएगा। इसलिए नीयत के साथ साथ अपनी ज़ाहिरी हालत भी ठीक करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान कहे कि भाई मेरी नीयत साफ़ है, लेकिन उसकी ज़ाहिरी हालत से उसकी नीयत की दुरुस्तगी मालूम नहीं होती, क्योंकि अहकाम का मुरतब होना नीयतों पर ही है, नीयत पर मुरतब होते, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के ज़ाहिरी अमाल भी ठीक होने चाहिए कि ज़ाहिरी अमाल जो इंसान की ठीक ना हो लेकिन सिर्फ़ उसकी नीयत ही ठीक हो तो इस तरह भी दुरुस्त नहीं। الحديث الثالث وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام عائشة رضي الله عنها سے روایت فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا هجرة بعد الفتح کہ ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد वलाकिन जिहादुन लेकिन जिहाद और नीयत बाकी है वैदस्तुन फिर तुम और जब तुम से निकलने के लिए कहा जाए फन फिरो तो तुम निकल जाए करो व माना हो और इसका माना ला हिजरत मिन मक्का के मक्का से हिजरत नहीं लिअन्ना इसलिए कि मक्का सारत हो गई है दार इस्लाम बन गई है। तौज़ीहुल हदीस हदीस की राविया आयशा जलान के हालात गुजर चुके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हिजरत बाद फतेह के फतेह मक्का के बाद हिजरत नहीं यानी फतेह मक्का के बाद हिजरत करना दुरुस्त नहीं। इस हदीस में तो आता है कि हिजरत ख़त्म हो गई फतेह मक्का के बाद, जबकि दूसरी रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तनक़तिउल हिजरत हत्ता तनक़तिया कि हिजरत क़यामत तक मुनक़ति नहीं हो सकती। तो इन दोनों रिवायात में तआरुज़ है। इसका पहला जवाब ये देते कि मक्का मुकरमा 8 हिजरी में फतह हुआ, मक्का मुकरमा में मुसलमान कुफार कुरैश के जुल्म की शिकार थे और इस पर मज़ीद सितम ये कि कुफार मुसलमान को उनके दीनी फ़राइज़ अदा करने से भी रोकते थे, इसी वजह से मक्का में मक्का मुकरमा से मदीना हिजरत वाजिब हो गई थी। जब मक्का फतह होकर दारुल इस्लाम बन गया तो ये फजीलत वाली और आला मर्तबा वाली हिजरत बाकी नहीं रही, बल्कि इसकी जगह इखलास नीयत के साथ और इलाए कलिमतुल्लाह के साथ जिहाद ने ले ली। बहरहाल फतेह मक्का के बाद अब भी अगर मुसलमान किसी
ऐसे मकाम पर हो जहाँ वो आज़ादी के साथ इस्लाम के शायर की अदायगी ना कर सकते हो, उससे कासिर हो, तो ऐसे मकाम से हिजरत अब भी वाजिब है। और इसकी ताकीद नबी अलैहिस्सलाम की इस फरमान से होती है कि ला तनक़दे अल हिजरत हत्ता तनक़दे। और दूसरा जवाब ये देते कि मक्का से मदीने की हिजरत नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़र्ज़ आइन थी और वो इस्लाम की हकानियत और कुफार की शान शौकत तोड़ने के लिए थी, मगर अब हिजरत फ़र्ज़ आइन नहीं रही। हाँ, अगर इस्लाम पर चलना मुश्किल हो तो फिर हिजरत उस जगह से भी वाजिब है। इमाम ख़ताबी रहमतुल्लाह फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हिजरत की दो सूरतें थीं। एक सूरत तो ये कि अगर किसी जगह के लोग इस्लाम ले आते तो उन्हें वहाँ अजियतें दी जाती और काफिर उन्हें तकलीफ़ पहुँचाते तो उन्हें हिजरत का हुक्म दिया जाता था ताकि वो तकालीफ से महफूज रहे और इस्लाम पर कायम रहे। दूसरी सूरत हिजरत मक्का से मदीना मुनव्वरा हिजरत थी कि मक्का में मुसलमान कमज़ोर और उनकी तादाद कम थी। वहाँ जो इस्लाम कबूल करता उस पर हिजरत फ़र्ज़ हो जाती कि मदीना में आकर नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत से मुस्तफ़ीद हो। मक्का फतह होने के बाद ये हिजरत फ़र्ज़ नहीं रही, बल्कि हुक्म हुआ कि अपने वतन में क़याम करें और जिहाद की नीयत के साथ तैयार रहें कि जब भी जिहाद का हुक्म हो तो उसके लिए तैयार हो, जिहाद के लिए निकल जाए। हदीस रवि वान अबी अब्दुल्लाह जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल कुन्ना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वातिन फ़क़ाल इन्न बिल मदीनति लरिजाल मा सिरतुम मसीरन ولقطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه الا شركوكم في الاجر رواه مسلم ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذر ترجمه ابو عبد الله जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत फरमाते कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ गज़वे में थे। फ़क़ाल फरमाया इन्न बिल मदीनति लरिजालन के मदीना में कुछ आदमी ऐसे हैं मासिर तुम मसीरन कि तुम जहाँ सफ़र करते हो कि तुम सफ़र नहीं करते वला कतवा तुम वादियन और ना ही तुम किसी वादी को अबूर करते हो इल्ला कानू माकुम मगर वो लोग तुम्हारे साथ होते हैं हबसहुमुल मरज़ उनको बीमारी ने रोक रखा है फिर रिवायतें और एक रिवायत में है इल्ला शरकूकुम फिल अजर मगर वो तुम्हारे साथ शरीक होते हैं अजर में रवाहुल बुखारी और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत के फरमा देगी रजाना मिन ग़ज़वति तबूक मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल कि हम लौटे नबी अलैहिस्सलाम के साथ ग़ज़वे तबूक से फ़क़ाल नबी सल्लम ने फरमाया इन्ना अक़वामन ख़ल्फ़ना बिल मदीनति के मदीना में कुछ लोग पीछे रह गए हमसे मा सलकना शेगबन कि हम किसी वादी वला वादी और ना घाटी को अबूर करते हैं इल्ला वहुम माना मगर ये कि वो हमारे साथ होते हैं हबसहुमुल उज़्र उनको उज़र ने किसी मजबूरी ने रोक रखा है। हदीस के रावी अबू अब्दुल्ला जाबिर इब्न अब्दुल्ला की के मुख्तसर हालात हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी अबू अब्दुल्ला कबीले क़ज़ा से ताल्लुक़ रखते थे। बैत अक़्वसानिया में अपने वालिद के साथ इस्लाम कबूल किया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ 19 ग़ज़वात में शरीक रहे। इल्म हदीस के हुसूल का इस कदर उनको शौक़ था कि जब ये मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि उस वक्त शाम में रहते थे एक हदीस जानते हैं तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊँट ख़रीदा और एक माह की मुसाफत तय करके वहाँ पहुँचे और अब्दुल्लाह इब्ने उनैस से हदीस सुनी। इनकी रवायात की तादाद 540 है। 37 हिजरी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से जंग में शरीक हुए और 94 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। कुन्ना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वातिन हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ गज़वे में थे तो इस गज़वे की वजाहत बुखारी की इस रिवायत से मालूम हो गई। यहाँ पर इसकी तस्रीह हो गई कि रजाना मिन ग़ज़वे तबूक कि इस गज़वे से मुराद गज़वे तबूक था कि हम गज़वे तबूक से नबी अलैहिस्सलाम के साथ लौटें और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन बिल मदीनति लरिजालन के मदीना में कुछ आदमी ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम जो सफ़र करते हो और जो वादी वगैरह अबूर करते हो तो वो तुम्हारे साथ उस सफ़र के सवाब में शामिल हैं। तो हदीस से मालूम होता है कि
खैर के कामों की नियत करने का भी अजर सवाब मिलता है, अगरचे कोई उज़र की बिना पर उस नेक काम को, उस नेक अमल को अंजाम ना दे सके, कि बल्कि जिस कदर वो उस महरूमी पर अफसोस करेगा तो उसे उसी कदर अजर सवाब ज़्यादा मिलता जाएगा। बाज़ उलमा फरमाते कि दरअसल इस हदीस में कुरान की सायद की तरफ इशारा है, ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب, और ये इसलिए कि नहीं पहुंचती उनको कोई प्यास, वला नसब, ना कोई थकावट, वला मखमसत, और ना ही भूख, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वला यतऊन मौतअन, और ना ही वो किसी जगह पर कदम रखते हैं, यगीज़ुल कुफार, जिससे खफा हो काफिर, वला यनालून मिन अदूबिन नैलन, और ना ही छीनते हैं अपने दुश्मन से कुछ, इल्ला कुतिबा लहुम भी, मगर ये कि उसके बदले उनके लिए नेक अमल लिख दिया जाता है, अमल सालिहुन, नेक अमल लिख दिया जाता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ज़ाया नहीं करते नेकोकारों का अजर। यानी इसके बावजूद कि उनमें से अक्सर बातें, मसलन भूख प्यास का लगना या उनको तकलीफ़ का पहुँचना, इख्तियारी उमूर में से नहीं, लेकिन फिर भी जिहाद की नीयत की वजह से उन्हें उस गैर इख्तियारी उमूर के मुकाबले में भी उनके नाम आमाल में हसनात दर्ज किए जाएंगे, और अल्लाह ताला उनको इस तकलीफ़ के बदले अजर सवाब अता फरमाएगा, कि अल्लाह ताला आमाल हसना और नियत हसना का अजर ज़ाया नहीं होने देते। यहाँ पर सवाल है कि क्या जिहाद पर उज़र की वजह से ना जाने वालों का सवाब और जिहाद में शिरकत करने वालों का सवाब बराबर होगा, यानी दोनों सवाब में बराबर होंगे या नहीं? तो बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक दोनों का सवाब बराबर बराबर होगा, यानी जो सवाब जिहाद में शरीक लोगों को मिलेगा वही सवाब जिहाद की नियत रखने वाले, जो कि मजबूरी की वजह से पीछे रह गए, उनको भी मिलेगा, जैसा कि सदी से मालूम हो रहा है। लेकिन बाज़ दूसरे मुहद्दिसीन के नज़दीक जो शिरकत करते हैं उनका सवाब पीछे रह जाने वालों से, मजबूरी की वजह से जो पीछे रह जाते हैं उनसे सवाब ज़्यादा होगा। कुरान करीम की सायद की बिना पर ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन ग़ैर उलिल ज़ररी वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़ग़लल्लाहु अल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लहु वअदल्लाहु हुस्ना, के बराबर नहीं वो मुसलमान जो बग़ैर रोज़े के घर पर बैठे, और वो लोग जो अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करें, अल्लाह ने बढ़ा दी अपने माल और जान से लड़ने वालों के लिए यानी घर में बैठे रहने वालों पर दर्जा, और इन सब से अल्लाह ताला ने अच्छे घर का वादा कर रखा है। तो इस आयत का ये जवाब देते हैं, यानी जो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि दोनों का सवाब बराबर होगा, तो वो इस आयत का ये जवाब दे देंगे, इसमें भी, इस आयत में भी गैर उलिस गरर के अल्फाज हैं कि उज़र वाला हो तो सवाब में बराबर शरीक होगा, और अगर बग़ैर उज़र के हो तो फिर सवाब में बराबर का शरीक नहीं होगा। वल्लाहु आलम। الحديث الخامس وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري। तर्जुमा, अबू यजीद मान इब्न यजीद इब्न अखनस से रवायत है, और वो और उनका बाप और उनके दादा तमाम सहाबी रसूल हैं। क़ाल फरमाते हैं काना अबी यजीद के मेरे वालिद यजीद ने अखरज दनानी निकाले यतसद्दक़ बिहा सदका करने के लिए, यानी उसके ज़रिए सदका करें, फवज़ाहा और उन्होंने वो दनानी दीनार रख दिए इंद रजुल फिल मस्जिद मस्जिद में एक आदमी के पास, यानी सदके की नीयत से कुछ दीनार मस्जिद में एक आदमी के पास रखे, फजीतु बस में गया, फ़ाख़ज़्तु और उससे वो दीनार लिए, फ़ातैतु बिहा और मैं वो दीनार लेकर उनके पास गया, अपने वालिद के पास गया, वक़ाल फरमाया मेरे वालिद ने वल्लाह अल्लाह की कसम माँ इया का औरत तू मैंने तुम्हें देने का इरादा नहीं किया था, फ़ासमतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मैं ये झगड़ा ले गए नबी अलैहिस्सलाम के पास, वक़ाल फरमाया लका मा नवैत या यज़ीद तुम्हारे लिए तुम्हारी नियत है यजीद व लकम आखज़ तमान और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने लिया ईमान। हदीस के रावी अबू यजीद मान इब्ने यजीद इब्ने अखनस
इनकी कुनियत अबू जैद, मान और इनके वालिद यजीद और इनके दादा अखनस तीनों ही सहाबी रसूल हैं और तीनों ने गज़वे बदर में शिरकत फरमाई थी। इनसे 5 अहादीस मरवी हैं और ये मरवान के ज़माने में शहीद हुए। काना भी यजीद अखरज दनानील ये तसद्दक बिहा कि मेरे वालिद यजीद ने दीनार सदक़े की नीयत से निकाले और मस्जिद में एक आदमी के पास रख दिए। तो मालूम होता इससे कि सदका वगैरह के अंदर किसी को वकील बनाना कि वो उसकी तरफ से किसी मोहताज को दे दे तो ये जायज़ है। वजह तो वाकस था, बस में गया और मैंने वो सिले लिए, यानी मान खुद मुस्तहिक था, ज़रूरतमंद था और उन्हें अपना उससे ज़्यादा मुस्तहिक लगा, इसलिए वो गए और उन्होंने वो दीनार उस आदमी से ले लिए। वजह तो फाकस तो फ़ासम तो इला रसोल्ला, तो ये झगड़ा नबी इस्लाम के सामने पेश किया। तो इससे उलमा ने ये इस्तदलाल किया कि शरई मसाइल में बहम बहस व तकरार करना अपने वालिद के साथ तो ये इनकी नाफरमानी और बेअदबी नहीं है। इस तरह कभी कभार शरई मसाइल मालूम करने के लिए वालिद को काजी या मुफ्ती के पास ले जाना ये उनकी बेहुरमती शुमार नहीं होगी। लेकिन इसमें भी अदब का पहलू मद्देनजर रखे कि अदब ना छूटे। फ़काल लक मानवाइता या यजीद वलका मा अख़्ज़्त या मान के यजीद तुम्हारे लिए तुम्हारी नीयत का सवाब है और ऐमान तुमने जो लिया तो वो तुम्हारे लिए जायज़ है। तो सदका अगर मोहताज बेटे को मिल जाए तो अपने बाप को वो सदक़े का सवाब पूरा मिलेगा क्योंकि उसने मुस्तहिक तक पहुँचाने की नीयत की थी और वह सदका मुस्तहिक तक पहुँच गया। मगर इसमें उलमा ने सदक़े नाफिला की कैद लगाई है कि सदक़े वाजिबा ज़कात वगैरह अपने बेटे को देना जायज़ नहीं होगा क्योंकि सदक़े वाजिबा में शर्त यह है कि ये अपने उसूल यानी बाप दादा परदादा वगैरह और फ़ुरू बेटा पोता वगैरह को नहीं दे सकते। हर दर्स का मुताला ज़रूर किया करें और साथ में लुगात अपनी कापियों में भी ज़रूर लिखा करें। वाखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।